तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने टीवी में जो टीवी का साउंड टेस्ट है वो करेंगे। तो चलिए हमें टीवी की सेटिंग में जाना है। जैसे हम सेटिंग में जाएंगे तो हमें सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन सपोर्ट पे जाना है। सपोर्ट में हमें डिवाइस केयर पे जाना है। जैसे हम डिवाइस केयर पे जाएंगे तो ये हमारे डिवाइस की हेल्थ चेक करेगा, दिखा रहा है गुड कंडीशन है। उसके बाद हमें नीचे जाना है सेल्फ डायग्नोसिस में। जैसे हम सेल्फ डायग्नोसिस तो हमारे सामने बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे, पिक्चर टेस्ट जो मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में बताया था। आज हम करने वाले हैं साउंड टेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर HDMI ट्रबल शूटिंग का भी है, रीसेट स्मार्ट हब और स्मार्ट हब कनेक्शन टेस्ट, ये भी मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखी है मेरी पिछली वाली वीडियो तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए और देखिए। तो आज हम करने वाले हैं साउंड टेस्ट। तो हमें अपने टीवी रिमोट से साउंड टेस्ट को सेलेक्ट करके ओके बटन प्रेस करना है। जैसे ही मैं ओके बटन प्रेस करूंगा कुछ साउंड सुनाई दे रही होगी आपको। मैं अपने वॉल्यूम बढ़ा के बता देता हूँ। अगर ये आपको साउंड ठीक लग रही है तो यस करना है, अगर आपको ठीक नहीं लग रही है तो नो करना है। जैसे ही मुझे ये साउंड ठीक लग रही है तो मैं यस करता हूँ। उसके बाद दिखा रहा है टेस्ट ओके था तो क्लोज कर देना है। अगर आपको लगे साउंड सही नहीं आ रहा है तो नो पे क्लिक करना है और हमें कस्टमर केयर में जो सैमसंग स्मार्ट टीवी का कस्टमर केयर है वहाँ कॉल करना है और हमें अपने टीवी का मॉडल नंबर और सॉफ्टवेयर वर्जन बताना है ताकि वो ठीक कर सके। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।